नमस्ते सर, नमस्ते नमस्ते सर। सर मैं कचला इंश्योरेंस कंपनी से बोल रहा हूँ। जी जी सर, सर आपके पास टाइम है? आपके सिर्फ 2 मिनट लगेंगे सर। अच्छा टाइम नहीं है आपके पास सर, आपको आपकी मम्मी की कसम है। आप ऑफर सुन लीजिए, आपको नहीं लेना कोई बात नहीं, पर आप एक बार ऑफर सुन लीजिए। सर हमारी कंपनी जो है वो इंश्योरेंस करती है उन लोगों का जो शादी के बाद या वो मारते हैं ना, जिनकी गर्लफ्रेंडें होती हैं, ये कंपनी उन उन लोगों के लिए इंश्योरेंस करती है। क्योंकि सर अगर आप अपनी बीवी के हाथों मरते हो तो सर आपको इंश्योरेंस के पैसे मिलेंगे, आप अगर गर्लफ्रेंड के हाथों मरते हो तो आपको इंश्योरेंस के पैसे मिलेंगे। जी हमारे जो इस कंपनी के ऑनर हैं ना, उनकी भी दो दो गर्लफ्रेंड हैं और शादीशुदा भी हैं, तो उन्हें लगा कि ये ऑफर निकालना चाहिए ताकि जो शादीशुदा लोग हैं और गर्लफ्रेंड या वाइफ के हाथों मर जाते हैं उन्हें पैसे नहीं मिलते, तो उनको पैसे दिए जाने चाहिए। जी सर, सर आप अगर बीवी के हाथों मरते हो तो सर आपको 20 लाख रुपए मिलेंगे, और अगर आप गर्लफ्रेंड के हाथों मरते हो तो सर आपको 20 लाख रुपए मिलेंगे। ऑफर तो बहुत सही है ना सर? जी, बिल्कुल सर बिल्कुल। और अगर सर आप इन दोनों के हाथों नहीं मरना चाहते और पैसे जो चाहते हो कि पैसे आपकी फैमिली को मिलें, तो आप हमें बता दीजिए। हमारे बगल में यहाँ बहुत सारे गुंडे रहते हैं, कोई किडनी निकालने वाला, कोई आंखें निकालने वाला, यदि हमें बता दीजिए हम खुद आपकी सुपारी उनको दे देंगे और वो आपको रास्ते में उड़ा देंगे और जो सारे पैसे हैं वो आपकी फैमिली को मिल जाएंगे। सर कैसा लगा ऑफर? जी सर, अब हमारी कंपनी तो मशहूर है इन चीज़ों के लिए। सर आपका नाम जो है वो मैंने वाली लिस्ट में देखा था। जी, तब मुझे पता चला कि आप बहुत बड़े टर्की हो, और मुझे आपका नाम जो है, मतलब मुझे जो है ये आपके आपको पॉलिसी का ऑफर देना चाहिए। जी, आपके बच्चे अच्छे हैं वैसे? अच्छा, लड़का है, नाम क्या है? अच्छा राहुल। अच्छा, लड़की बाजे क्या वैसे? अरे नहीं, अरे अब लग ही रहा था सर मुझे कि लड़की बाजी होगा, यही बोला ना सर मैंने। अरे वो सर क्या करूँ, ये तो मेरा पार्ट टाइम है, लेकिन इसमें ज्योतिषी भी हूँ और मैं तांत्रिक भी हूँ, भी सारी चीज़ें मैं खुद अकेला मैनेज करता हूँ। जी, पर कोई नहीं सर, अगर आपका लड़का जरा मतलब आज की बाजी में पड़ा रहता है तो हम उसे सुधार सकते हैं। हमारे इधर टांग तोड़ू लोग रहते हैं, जो लोगों की टांगे तोड़ते हैं, और उनके हाथों से अगर किसी ने टांगे तोड़वा ली तो वो हमेशा सही रास्ते पे चल जाता है। आप चाहो तो सर आपको भी ऑफर मिल सकता है, आप भी सुधर सकते हो। पर कोई नहीं सर, ये ऑफर अगर आप सुधर जाओगे तो ये ऑफर आपको नहीं मिलेगा। जी, इस ऑफर के साथ आपको कुछ और भी वैरायटीज मिलती हैं। अगर आप ये ऑफर लेते हो जो 20 लाख वाला है, तो सर इसमें आपको एक गर्लफ्रेंड भी दी जाएगी फ्री में। जी, कि सर उस गर्लफ्रेंड का सारा खर्चा आप उठाओगे। जी, गर्लफ्रेंड की तबीयत खराब होती है, सब भी आप ही अफोर्ड करोगे, और गर्लफ्रेंड अगर आपका सारा पैसा लेके भाग जाती है तो सर वो जिम्मेदारी आपकी होगी, क्योंकि इस कंपनी का उस लड़की का कोई लेना देना नहीं रहेगा। जब तक वो लड़की आपके साथ है हमारे सारे संबंध खत्म। जी, इस कंपनी में सर आप कोई क्लेम नहीं कर सकते। सर ये बहुत ही यूनिक कंपनी है, जैसा कि मैंने बताया हमारे ओनर फटी चंद उन्होंने ऑफर निकाला है, क्योंकि सर उनके एक फ्रेंड थे जिनकी शादीशुदा हो रखे थे शायद वो, तो उनकी वाइफ को उनको पता चल गया कि उनके एक गर्लफ्रेंड है, तो उन्होंने उसे खलास कर दिया। जी सर, सर इसीलिए तो ये ऑफर चल रहे हैं कि आप जैसे टर्की लोगों को ये ऑफर दिया जाए। जी, सर 40 लाख रुपए बहुत होते हैं। जी, बिल्कुल, आप अगर जाओ, अगर आप सारा पैसा लेना चाहते हो बिना किसी दिक्कत के, तो सर एक ऑफर है आपके लिए, आप अपनी गर्लफ्रेंड जो है वो मेरे को दे दीजिए, मतलब दे दीजिए मतलब कि उसका नंबर दे दीजिए। अगर वो हमसे पट जाती है, कंपनी के लोगों से पट जाती है, तो कंपनी सर आपको 10 लाख रुपए देगी। ये ऑफर कैसा लगा सर? आपको मरना भी नहीं पड़ेगा। जी, अच्छा घर वाले, अच्छा घर वालों ने शादी जबरदस्ती करवाई थी। अच्छा, आप वाइफ से प्यार नहीं करते? अच्छा
अच्छा, तो सर आपके बच्चे कैसे हो गए फिर? अच्छा कोई बात नहीं सर, वो तो अब आपकी इच्छा है। अच्छा जी, चल पहले आप मुझे अपना नाम बता दीजिए। वटीचर सिंह। अच्छा, अरे बिल्कुल सर, नाम तो आपका बड़ा वटीचर वाला है, मतलब आपके नाम से लगता है कि आप भी बहुत बड़े वटीचर हो गए। हम बोलिए। अच्छा कावाड़ी सिंह, गर्लफ्रेंड का नाम बोलिए। हनी सिंह कुमारी। अच्छा चलो सर, आपकी मैंने सारी डिटेल्स तो ले ली हैं, अब आप मुझे अपना बैंक अकाउंट और क्रेडिट कार्ड का नंबर भी बता दीजिए। जी, बिल्कुल जी। सर मुबारक हो सर, मैंने आपका चूतिया बना दिया। सर मैं एक्चुअली फ्रॉड कंपनी से बोल रहा हूँ, और सर मैं लोगों के पैसे जो है वो बैंक अकाउंट से ट्रांसफर करके अपने अकाउंट में लेता हूँ। सर कैसा लगा? मैंने आपको पागल भी बना दिया, आपको पता भी नहीं चला, और आपके सारे अकाउंट के जो पैसे थे कितने रुपए थे आपके अकाउंट में? 20 रुपये। सर आप तो बड़े गरीब हो, अपने नाम के हिसाब से ही हो, आपके अकाउंट में सिर्फ 20 रुपये ही थे। चलिए कोई नहीं, वैसे अगर आप किसी अपनी वाइफ के अपनी गर्लफ्रेंड का अकाउंट भी खाली कराना चाहते हैं तो आप मुझे उनका अकाउंट नंबर दे दीजिए, आप पुलिस में कंप्लेन करोगे। सर हमारा जो नंबर है वो बहुत ही यूनिक है, पुलिस भी नहीं पकड़ पाती इसको तो। अच्छा, चलिए ठीक है। अच्छा सर माँ बहन की खाली मत दीजिए। ठीक है ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं सर। ठीक है सर, अब आपके सारे पैसे जो है हमारे अकाउंट में आ चुके हैं, तो आप अपने नाम की तरह टीचर बन चुके हैं जी। तो सर चलिए, अब मैं नेक्स्ट टाइम फिर से कॉल करूँगा, आप फिर से पैसे जमा कर लेना, ताकि मैं फिर से आपका पीओ को बना के आपके सारे पैसे अपने अकाउंट में ले।